प्रशासन की सख्ती के बावजूद इंदौर शहर में अवैध हुक्का बार संचालित किए जा रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां विजयनगर थाने के सामने ही हुक्का बार संचालित हो रहा था, जिसे एसडीएम ने कार्रवाई कर बंद करवाया। दरअसल एसडीएम अक्षय सिंह मरकाना को सूचना मिली थी कि विजयनगर थाने के सामने C21 मॉल के पीछे लंबे समय से हुक्का बार संचालित हो रहा है, जहां पर अवैध रूप से शराब भी पिलाई जा रही है। एसडीएम ने कलेक्टर के संज्ञान में देकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। मौके से कई लोग हुक्का पीते हुए भी मिले। हुक्का बार के संचालक सुनील सितलानी को भी गिरफ्तार किया गया है। टीम ने हुक्का और कई नशीले पदार्थ भी पब से बरामद किए हैं। ये C21 मॉल जो है हमारा विजयनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसमें बिना नाम का एक ही चल रहा है, इसको शेफ्स बोलते हैं, पर इसका ना कोई बोर्ड लगा है ना कुछ लगा है। यहाँ 3-4 दिन से मुझे मेरे से कुछ सोर्सेज से खबर आ रही थी कि यहाँ पे इलीगल चीज़ें चल रही हैं, जैसे हुक्का हो गया और छोटी उम्र के बच्चे और ये लोग आके कंज्यूम कर रहे हैं, और खुलेआम जो इलीगल है इंदौर में पूरी तरह से हुक्का ये लोग चला रहे हैं। तो माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार मैंने आज यहाँ पे कार्रवाई करते हुए यहाँ पे पाया है, हुक्के का पूरा सामान मिला है, सारी चीज़ें मिली है, और इसको पूरी तरह सील करवा रहे हैं हम लोग सर के आदेश पे। सर, जब आपने यहाँ पे छापा मारा सर, किस तरह की सूचना हमें पूर्व मिल गई थी सर? पूर्व सूचना मिली मुझे 10 मिनट पहले का वीडियो मिला, जैसे ही मेरी गाड़ी आ रही थी इनने पूरा सामान यहाँ से हटा लिया था। उसमें भी हमें बहुत सारा सामान मिल गया है, इनका कोल जलता हुआ मिला है, इसमें हुक्के के फ्लेवर्स मिले हैं, हुक्के के सामान बहुत सारी चीज़ें मिली है। इसके अलावा मुझे और कुछ सूचनाएँ हैं, जैसे कि ये लोग बिना लाइसेंस के ये लोग शराब भी परोसी जा रही है यहाँ पे, बिना इनके पास आबकारी का लाइसेंस नहीं है, इस तरह की इलीगल चीज़ें, अवैध चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। किन हिरासत में लिया गया सर अभी? यहाँ पे जो इनके ओनर हैं, करण करके नाम है उसका, और एक मैनेजर है, उनको हिरासत में लिया है, और हम सख्त से सख्त माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। सर, इस क्षेत्र में काफ़ी इस तरीके की काफ़ी जो धंधे चल रहे थे, उसको लेकर कुछ रहेगा सर आगे का? जी बिल्कुल, मेरा अभी 2 दिन पहले ही चार्ज हुआ है यहाँ पे, और मेरा पूरा ये कोशिश रहेगी कि जो भी इलीगल चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, बहुत सारी और खबरें हमें मिल रही है, उनको पूरी तरह से रोकने का, क्योंकि जैसे आप जानते हैं सर भी, कलेक्टर सर भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और उनके आदेश अनुसार ही हम कार्रवाई कर रहे हैं, और आगे भी इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रहेंगी यहाँ पे। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।